हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले SCL टेक्नोलॉजी के। डिविडेंड दिया है प्लस स्पेशल डिविडेंड दिया है और आपको बताना चाहता हूँ कि उसके जो रिजल्ट आया है किस तरीके का है वो हम देखने वाले हैं। क्या हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करने वाले। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे आपको। और बात करें तो मैंने दो वीडियो बनाई है, एक और इस वीडियो को देख लीजिएगा। रिलायंस हैवल्स सनोफी डीमार्ट इस तरीके के शेयर है कि अभी इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा 10-15% के गेन मिल जाएंगे। एज वेल एज यहाँ पर स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज से रिलेटेड एक है पर्टिकुलर, बहुत सारे शेयर्स को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे शेयर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बातें करी है। और अगर बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। एज वेल एज एक और लिंक है यहाँ पर, इसे क्लिक करें, यहाँ श्री राम जी के जन्मभूमि में आपको मंदिर बन रहा है अयोध्या में, यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं और दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजी का यहाँ पर रिजल्ट है। तो अगर हम बात करें, द बोर्ड डिक्लेयर हैज डिक्लेयर फर्स्ट इंट्रीम डिविडेंड, मतलब पहला इंट्रीम डिविडेंड इस साल का इन्होंने दे दिया है 6 रुपये का, और इसके साथ साथ दिया है स्पेशल डिविडेंड का 10 रुपये का, मतलब 10 रुपये का और 6 रुपये का, मतलब 16 रुपये का डिविडेंड दिया है। और अगर बात करें क्रॉसिंग द 10 बिलियन मार्क, ओके, इन्होंने क्या कहते हैं और स्पेशल डिविडेंड क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने रिवेन्यू में 10 बिलियन मार्क को क्रॉस कर दिया है इस वजह से। तो कंपनी के रिजल्ट इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बात की जाए कब मिल जाएगा, तो ये 19 मई को, ओके, विल बी पेड, मतलब 19 मई को आपको आपके अकाउंट में 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे एज अ डिविडेंड। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये एक कंपनी का मतलब कब इसका रिकॉर्ड डेट है, तो फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड डेट है, तो रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स डेट होती है और एक्स डेट से एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना होता है। तो बता दूं कि अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 1 तारीख को मई है, 30 को, मतलब आपको 29 तारीख के लगभग आपको अकाउंट में अगर ये शेयर रहेगा, ओके, तो आपको ये डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। तो आइए रिजल्ट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजी के कंसोलिडेट रिजल्ट है इन करोड़्स में, यहाँ पर करोड़ में यहाँ पर बातें होंगी जो भी होंगी। अगर बात करें, ये रिवेन्यू है, ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है Q3 के, और अगर बात करें ये लास्ट Q4 के रिजल्ट है वो भी लास्ट ईयर के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा देखा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन मतलब कंपनी काम क्या करती है, उधर से कितना पैसा आया है, वो चीज मायने रखती है। तो अगर देखा जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट ईयर में Q4 में 18,587 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर में 19,302 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और इस बार की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,641 करोड़ रुपए का, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है एज वेल एज ईयरली बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है जो आपके सामने है। अगर बात करें अदर इनकम की, अदर इनकम को वैसे काउंट नहीं करना चाहिए बट स्टिल देख लेते हैं, तो अदर इनकम देखिए क्वार्टर बेस पे भी जंप है और ईयरली बेसिस पे भी यहां पर जंप नजर आती है हमें। बट टोटल इनकम की देख लेते हैं, तो टोटल इनकम 19,885 इस बार की करोड़ रुपए की इनकम है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो 19,491 और अगर उससे पहले के Q4 की बात करें तो 18,734 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया था। तो अगर हम देखें क्वार्टरली बेस मतलब ईयरली बेसिस पर भी अच्छी खासी जंप है, ओके, लगभग लगभग 1100 करोड़ रुपए की जंप है। और अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस, तो इधर भी लगभग 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है। एक्सपेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस इस बार का बात करें 16,518 करोड़ का एक्सपेंस इस बार है। Q3 में लगभग 15,012 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था, और अगर बात करें इस वाले क्वार्टर Q4 की, वो भी लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट ईयर के तो 14,849 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नजर आया था, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी ज़्यादा है और ईयरली बेसिस पर भी ज़्यादा है। देखिए इस बार खर्चा कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर खर्चा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए इन कंपनियों ने वैक्सीनेशन एज वेल एज बोनस भी लास्ट टाइम लगभग 700 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया था SCL ने,
तो अलग अलग एक्सपेंस यहाँ पर खर्च हुए थे, एक्सपेंस ज़्यादा कंपनी के होते हुए दिखाई दिए है। इस वजह से अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर गिरावट होती हुई हमें साफ नज़र आ रही है। लगभग 3367 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी दिखा रहा है। लास्ट क्वार्टर Q3 में 4480 करोड़ के आसपास था, और अगर बात करें 3885 करोड़, वो भी लास्ट ईयर के क्वार्टर में था। ओके, लास्ट ईयर के मतलब Q4 में था अगर बात करें। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले क्वार्टर में 1111 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो 3977 करोड़ रुपये का यहाँ पर 3977 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट था, और अगर बात करें Q4 की, वो भी लास्ट ईयर के 3172 करोड़ रुपए का। तो देखिए ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट है ही है, बट क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर बात करें यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। टैक्सेस देख ले तो टैक्सेस देखिए लास्ट टाइम तो यहाँ पर कम कटता हुआ दिखाई दिया था, इस बार टैक्सेस बहुत ज़्यादा कटता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेस बहुत ज़्यादा कटता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आई है, और लगभग 1/3 भी कह सकते हैं। बट एक चीज़ सबसे अच्छी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, खर्चे तो आज की नहीं तो कल कम हो जाएंगे, टैक्सेस भी उसी हिसाब से लगता है, टैक्सेस का भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, टैक्सेस उसी कुछ ना कुछ होगा इनमें एडजस्टमेंट कर रखा होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर टैक्सेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बट कोई इशू नहीं है, कंपनी ने रिजल्ट जो यहाँ पर दिखाया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब कंपनी काम कर रही है और पैसा आ रहा है। हाँ, एक्सपेंस ज़्यादा और हुए हैं इस बार, वो सब चीज़ हम देख सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी के रिजल्ट ईयरली क्वार्टरली रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी खासी जंप है। तो आप इस कंपनी को, मेरी तरफ से ओके है कि आप इस कंपनी के साथ रह सकते हैं। SCL टेक्नोलॉजी ने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट कर रखे हैं, अच्छी अच्छी डील्स इनके हाथ में है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए EPS भी घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लगभग 4 रुपये 6 पैसे का यहाँ पर EPS इस बार का है। लास्ट क्वार्टर का 1463 रुपये था, अगर बात करें 11 रुपये 69 पैसे लगभग यहां पर EPS था लास्ट ईयर में। तो EPS में भी गिरावट दिखाई दे रही है और उसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी इज परफेक्टली फाइन। यहां पर जो रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें ही पैसा यहां पर चला गया है, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है, बड़े अच्छे नंबर दिया है। 16 रुपये का यहां पर डिविडेंड भी दिया है। अगर हम बात करते हैं सेगमेंट वाइज, तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग IT ओके बिजनेस सर्विसेज से लगभग 14,122 करोड़ रुपए यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। इंजीनियरिंग R&D सर्विस लगभग अगर देखें तो 2975, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में लगभग 2554 करोड़ रुपए का यहाँ प्रॉफिट होता हुआ रेवेन्यू होता हुआ हमें नज़र आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, सब कुछ काट पीट के यहाँ पर ये सब चीज़ प्रॉफिट वगैरह दे रखा है। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे हैं, यहाँ पर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा है, कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा है, बस दैट्स इट, बट अदरवाइज रेवेन्यू सबसे अच्छे है। 16 रुपये का डिविडेंड है, ओके 29 तारीख तक आपके अकाउंट में शेयर रहेंगे, तो आपको अच्छा खासा जंप मतलब ये 16 रुपये के डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करूँ शेयर की, तो शेयर तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है, अगर एक साल की बात कर लेते हैं आपके पैसे को डबल कर दिया है। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर अभी की, तो देखिए शेयर अभी थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आएगा, सारे शेयर गिरे ये भी, तो 900 रुपये तक ये शेयर आ सकता है, जो मुझे लगता है जो कि कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नजर आएगा 1-2 महीने के लिए। तो 1-2 महीने, बट आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है तो ऑलवेज बताना चाहता हूँ कि एक तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, रिकॉर्ड डेट आपके पास ही है ओके 1 मई, और आपको 29 तारीख तक खरीदना है, और आपको बताना चाहता हूँ अच्छा खासा शेयर है, कोई परेशानी नहीं है, डिविडेंड देता हुआ नजर आ रहा है ओके, बोनस देता हुआ नजर आता है, बायबैक करता हुआ नजर आता है, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है, 700 करोड़ रुपीज़ का यहाँ बोनस दे दिया था उन्हें लास्ट, अभी बात करें तो 2-3-4 महीने पहले। तो कंपनी इज परफेक्टली फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट ओके, स्टे इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। ये इंडिया की आपको बताते हो शिव नादर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। SCL का नाम है, और इस बार एक्सपेंसिस ज़्यादा हुए, बट इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डील अभी इनकी पाइपलाइन में है, तो जिसका फ़ायदा आने वाले क्वार्टर्स में होता हुआ नजर आएगा। तो जब अगली बार के क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो ये शेयर मुझे लगता है कि 1100 रुपये को टच करता हुआ नजर
नज़र आएगा। और बाकी सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द अदर आई टी कंपनी, लाइक अगर बात करें इन्फोसिस, TCS, वो भी TCS तो अच्छे खासे रिजल्ट देने के बाद भी यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया है। इन्फोसिस के रिजल्ट फिर भी अच्छे नहीं थे बट स्टिल गिरता हुआ नज़र आया था। SCL की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26% फॉल, ओके, नेट प्रॉफिट में यहाँ पर अगर बात करें Q4 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 26% का प्रॉफिट में फॉल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। बट इन्होंने स्ट्रीट मतलब अगर सोचे तो बाहर इन्होंने एनालिस्ट ने सोच रखा था कि और ज़्यादा कम आएगा बट उसे बीट कर दिया, उससे ऊपर है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, अच्छा स्टॉक है, स्टे इन्वेस्टेड, 16 रुपये का डिविडेंड को एन्जॉय करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसकी हिस्ट्री को आप जानते ही है किस तरीके की हिस्ट्री है, कोई शेयर गिर भी नहीं है, अच्छी खासी इसमें प्रमोटर्स की भी होल्डिंग है, ओके, बोनस डिविडेंड और स्प्लिट कंपनी ने काफ़ी बार दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी मेरी कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई भी पोजिशन लेने से पहले, एग्जिट करने से पहले, एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराइए ताकि इस तरीके के वीडियो हम आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।